दोस्तों, ये अपने पास एक काफी पुरानी मॉडल टीवी है। इसमें देख सकते हैं आप, इसका नाम पता भी नहीं है। पीछे देखते हैं, पीछे भी कुछ इसका स्टिकर वगैरह नहीं लगा है, और बटन वगैरह टूटने के नाते यहाँ पे चालू करने के लिए इसको बगल से स्विच लगाया गया है। पावर का हमने कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। हमने स्विच को ऑन ऑफ करके देख लिया है, पावर की लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही है। यहाँ से इसके स्विच को दबा के देख लिया है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है ये। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं इसमें समस्या क्या है आखिर। ओके, समस्या तो देखने पर मालूम हो रही है कि डेड कंडीशन है। कंडीशन में अब क्या खराब है, खोलेंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको खोलते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी बॉडी को ओपन कर लिया है। पीछे करते हैं पीसीबी को, बॉडी को इसको, और पीसीबी तो यही नाली वाली आईसी के साथ रही, जिसको हम लोग नाली वाली आईसी बोलते हैं। और इसमें प्लास्टिक के साथ है, ये टाइट किया हुआ है। इसका ट्रे है, यहाँ से भी खोलते हैं इसको। बाहर करते हैं दोस्तों, वायर काफी टाइट है क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है अब, तो वायर टाइट रहेंगे ही। ये पीसीबी है अपनी। सबसे पहले तो मेन सप्लाई चेक कर लेते हैं। मेन सप्लाई का कनेक्शन यहीं पर है ये। तो पावर हमने मेन निकाला हुआ है, और एक चिमटा लेते हैं। तो ये अपना चिमटा रहा, इन दोनों वायरों में यहाँ पे लगा दिया है ऐसे, इस तरीके से। सबसे पहले तो वायर चेक कर लेते हैं, वायर से करंट जा रहा है कि नहीं। तो सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में यहाँ पर लगाया तो बल्ब नहीं जला, हो सकता है ऑफ हो। आगे से ऑन करते हैं यहाँ पर, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कभी कभी ये होता है कि ये छोड़ा रहता है, तो ये देखिए छोड़ा था, पकड़ लिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये सप्लाई सही है, ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक ये ठीक है। अब आगे बात आती है कि आगे क्या खराब है। ओके, आगे हम इसको लगा देते हैं। फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूज निकालते हैं। फ्यूज निकाल दिया, फ्यूज तो बिल्कुल जला हुआ समझ आ रहा है। कभी कभी होता है कि हम लोग फ्यूज निकालने के बाद अंदर से इसके जोड़ देते हैं वायर, लेकिन यहाँ पे जोड़ा गया है कि नहीं उसको चेक करने के लिए मैं इसकी पीसीबी को खोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी पीसीबी को खोल लिया है। थोड़ा सा हाथ भी कम काम कर रहा है ठंड के कारण, तो यहाँ पर हमने सभी जैक को निकाल लिया फिलहाल, पावर के जैक को छोड़कर। तो यहाँ पर फ्यूज सही है क्योंकि यहाँ पर ये जम्पर यूज नहीं किया गया है। ये जम्पर की वायर अगर होती फ्यूज तो जम्पर लगा होता। तो कोई नहीं, यहाँ पर हम एक फ्यूज लगा लेते हैं या फिर जम्पर कर लेते हैं। तो अपने पास ये 5 एम्पियर का फ्यूज रहा, 5 एम्पियर इसमें लगता है, 5 एम्पियर हम लगा लेते हैं। छोटा वाला फ्यूज है तो अपने पास है ये, इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्यूज रहा, इसको हम लगाते हैं क्योंकि देखने पर ही जला लग रहा है। ये देखिए गिर गया, पीछे उल्टी दिशा से लगा रहे हैं हम पीछे से। ठीक है, ये लग चुका है। अब दोबारा से लगाते हैं पावर को, देखते हैं कि अब क्या कंडीशन आती है इसकी। ओके, तो ये फुल शॉर्ट हमको दिखा रहा है, आखिर ये शॉर्टिंग कहाँ पर है देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई है, एसटीआर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर वाली है। तो कंटिन्यूटी करते हैं मीटर को, कंटिन्यूटी रेंज पे किया। सबसे पहले तो इसका डायोड चेक करते हैं, डायोड सही है या खराब। ओके, डायोड सबसे पहले तो रख दे कोरी। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। देखते हैं आउटपुट पर डायरेक्ट, मीटर सही रीडिंग नहीं दे पा रहा है। दूसरे मीटर से चेक करते हैं हम। थोड़ा सा आप सब शांत होकर बैठ जाइएगा ना, 5 मिनट। तो सबसे पहले तो हम अपना आउटपुट ट्रांजिस्टर का सप्लाई कट कर देते हैं यहाँ पर, कि आउटपुट ट्रांजिस्टर से है कि डायोड सेक्शन में है जहाँ से ब्रिजिंग की गई है। तो यहाँ पर जम्पर दिया गया है, इस जम्पर को हम निकाल देते हैं। यहाँ से इस जम्पर को हम निकाल देते हैं बाहर। ये पॉजिटिव की सप्लाई है,
जो मेन कैपेसिटर से अपनी निकल रही 450 वोल्ट वाली, जहाँ पर लगभग 350 वोल्ट की सप्लाई होती है अपनी। तो इस जम्पर को हमने निकाल दिया है, अब लगाते हैं पावर को और देखते हैं कि अब शॉर्टिंग आती है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर जैक हमने लगा लिया है, पावर लगाते हैं इसको। तो अभी शॉर्टिंग है अपनी, इसका मतलब कि इसका डायोड सेक्शन शॉर्ट है। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, हम अपना सीरीज वायर से भी चेक कर सकते हैं इसको एक एक डायोड पर लगाकर। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो ऐसे तो सभी डायोड शॉर्ट दिखा रहे हैं। फिलहाल होगा कोई 2 शॉर्ट इसमें, लेकिन हम सभी को चेंज करेंगे क्योंकि लोड सब पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये खराब हो सकता है फिर दोबारा से। तो चारों डायोड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं अपना। तो यहाँ से निकालते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सभी डायोड को निकाल लिया है। आइए चेक करते हैं इसमें आखिर ये कौन सा डायोड शॉर्ट है। तो मीटर को चेक करते हैं दोबारा से, अब ये रीडिंग देखते हैं कैसी देता है। तो ये तो शॉर्ट दिखा रहा है, बीप आ रही है, ये वाला सही है, ये भी सही है और ये खराब है। तो मैंने आपसे बताया था 2 डायोड खराब होते हैं, लेकिन चेंज हम सभी करेंगे क्योंकि लोड पड़ने की वजह से उसकी मजबूती कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम 4 डायोड लगा लेते हैं, 5399 अपना ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें एनोड और कैथोड का ध्यान देना पड़ेगा, निशान आप ध्यान दीजिए, बाकी एनोड कैथोड छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो तीर का निशान है उसको ध्यान में दीजिएगा, जिस तरफ तीर का निशान है उस तरफ डायोड का सिल्वर कलर लगेगा। इसको हम लगा लेते हैं। इसी तरीके से सभी डायोड पे लगेंगे अपना, सबको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में गैपिंग के नाते ये निशान मिट चुका है, तो इसको हमको अब ट्रैक मिला के लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैक मिला लेते हैं, ट्रैक क्या कहता है अपना। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा इस तरफ, मतलब जिस तरफ ब्लैक है कोई निशान नहीं है। और ये प्लस है मेन कैपेसिटर का, मतलब जिस तरफ सिल्वर है वो प्लस रहता है, तो सिल्वर वाला पॉइंट अपना कैपेसिटर की तरफ पॉजिटिव करना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने लगा लिया है, इसकी सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पिन को मोड़ देते हैं ताकि ये नीचे ना गिर जाए। अब इसकी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग तो कर ली है, लेकिन अब इसको चेक करना रहेगा कि ये सही हुआ कि नहीं अभी। तो सबसे पहले पिन कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी पिनों को हमने कट कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट ज़्यादा है, साफ कर देते हैं इसको। तो अब लगाते हैं पावर और देखते हैं कि अभी सीरीज बल्ब अपना जलता है या नहीं। तो अब की बार तो सीरीज बल्ब नहीं जला है, बट सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे लगभग 300 के ऊपर सप्लाई बननी चाहिए, 350 के लगभग, तो 1000 का रेंज करते हैं हम और चेक करते हैं सप्लाई।
तो ध्यान से काफी, क्योंकि डीसी का सप्लाई है तो काफी तगड़ा ये लगेगा अगर लगे अभी। तो 340 वोल्ट की सप्लाई ये रही, वो भी डीसी है, तो सावधानी जरूरी है इसमें। और इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं कि ये चार्ज है तो ठीक है। तो इसको हमने डिस्चार्ज कर लिया है, आप बल्ब की सहायता से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका अब हम जैक लगा देते हैं जो हमने निकाला था पिन। अब दोबारा से लगाते हैं सप्लाई, देखते हैं कि अब टीवी ऑन होती है, अब भी वही कंडीशन है। तो अब भी ये शॉर्ट हमको दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसके आउटपुट सेक्शन में भी शॉर्टिंग है। तो ये अपना ट्रांजिस्टर 1802 रहा, सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे हम। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं, क्योंकि डीसी अपना सही हो चुका है, ब्रिज सेक्शन सही है, तो यही बचता है अपना, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर से हम अपना रंगा हटा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर अपना निकल चुका है जो 1802 होता है। तो इसका हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, आखिर ये सही है या खराब। तो मीटर को हमने कंटिन्यूटी पर रख लिया है और ट्रांजिस्टर अपना ये रहा, इसको चेक करते हैं अब, जो देख सकते हैं बीप की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये खराब है। अब इसके साथ ही साथ एक ट्रांजिस्टर अपना और है जो होता है 3807, इसको भी चेंज कर दीजिए, चाहे सही हो चाहे खराब। इसको चेंज करने से होगा कि आपका लीकेज होने की वजह से भी कई बार ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, तो आपको झेलना ना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद तुरंत ही खराब हो जाता है, कई कंडीशन ऐसे भी होती हैं। पिन थोड़ा सा कम लगा, सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने हाथ से निकाल लिया है ट्रांजिस्टर अपना, एक 1802 और एक 3807, ये दो नंबर ट्रांजिस्टर हमको यहाँ पे लगेंगे। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सही हो चाहे खराब, इसको बदलना ही हमको। तो अपने पास ट्रांजिस्टर हम ले लेते हैं 1802 और 3807। तो ये एक ट्रांजिस्टर रहा 1802, ठीक है, और एक 3807 हमको चाहिए, इसको भी लेते हैं। ये रहा 3807, इन सभी को हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपनी सोल्डिंग हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पर भी पेस्ट हम एक बार क्लीन कर लेते हैं और देख लेते हैं साथ में कोई ट्रैक सटा ना हो, ठीक है। तो अब लगाते हैं पावर और देखते हैं कि अब भी ये शॉर्ट दिखाता है या फिर सप्लाई हमारी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है पावर में, शॉर्टिंग तो नहीं आई है, शॉर्टिंग आने पर अपना सीरीज बल्ब जल जाता, लेकिन शॉर्टिंग तो नहीं आई है। और चेक करते हैं यहाँ पर 110 की सप्लाई आखिर बनी या नहीं, तो जिस पर हमने टेप मारा वो ब्लैक है अपना, तो 117 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है, ठीक है। और दूसरी सप्लाइयाँ ये सही है वर्टिकल की, तो देखते हैं आगे इंडिकेटर जलती है या नहीं, हो सकता है जल रहा, लेकिन पावर हमने निकाला और जैक तो निकाला ही था, देखते हैं। तो जैक लगा था, हो सकता है जल रहा हो। तो यहाँ पर हम एक बार सभी जैक को लगाते हैं और एक बार ऑन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो बस एक जैक को हमने लगाया जो बटन का है, और इसके बाद अब चलते हैं डिस्प्ले पे, देखते हैं टीवी ऑन होती है या नहीं। ओके, पावर की लाइट तो जल चुकी है और अब ऑन करते हैं बगल के स्विच से, तो शायद टीवी ऑन भी हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा है इसका जो है कि खुलने का तरीका। सो वीडियो लिखा हुआ आ चुका है, और वीडियो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जैक लगाना पड़ेगा हमको वीडियो का। वीडियो का जैक हम पीछे से लगा लेते हैं, और इसके बाद हमको आरसी जैक भी लगा के चेक करते हैं टीवी का लीड। सो मुझे लगता है लीड थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा उल्टा हो गया, इसको ऊपर लगा दीजिए बस। तो देख सकते हैं ऑडियो का जैक मैं नहीं लगाया है, इसलिए ऑडियो नहीं आ रही है, बट मैं इसको भी लगा के आपको सुना देता हूँ ऑडियो। टीवी अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास अब चल रही है। तो ऑडियो भी आ चुका है, बट हल्का है थोड़ा, सही है। तो अपना टीवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुका है, तो थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा है, इसको हम कम कर लेंगे, और बाकी हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपका कोई टॉपिक हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।